मैंने ब्रेक के लिए भी अब चालू करते हैं। तो एमएस 4 का भी डिस्कशन तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, आगे अभी कल डाउट सेशन है, कल कर लेंगे ना। अभी राइट नाउ लेट्स मूव अहेड, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। एमपीएस 4 के सॉल्यूशन भेज दिए ना मैंने तुम्हारे? यस सर। तो उसको देख के आना फॉर टुमारोज डाउट सेशन, इज दैट क्लियर? कल सिर्फ डाउट्स ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद रैप कर लेंगे। ओके, बुकलेट के सॉल्यूशन भी बच्चों मैं आज भेजूंगा, तो गो थ्रू इट, देख के आना, ताकि डाउट्स हमें कम आए। अदरवाइज बहुत फालतू फालतू डाउट्स में हम रुक जाते हैं और 2A 2B 2C तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। चल लेट्स मूव अहेड। आई थिंक डिस्कस कर रहे थे जीपी के लिए। मैंने लास्ट क्वेश्चन एक कराया था, उसमें तुम्हें ये बताया था कि जीपी में बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी भी लगा सकते हो। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो, तीन टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन जीपी, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी लगा दो। अदरवाइज जीपी को एज्यूम कर लो ए ए आर ए आर स्क्वायर, उससे क्वेश्चन काफी इजिली मैनिपुलेट होते हैं जो आज देखोगे तो मेरे साथ। ओके क्वेश्चन करो जल्दी से, हो जाएगा। इफ अल्फा वन एंड बीटा वन, इफ अल्फा वन बीटा वन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो एंड alpha 2 comma beta 2 are the roots of the equation x square minus 54x plus q equal to 0. Also, if alpha 1 comma beta 1 comma alpha 2 comma beta 2 forms an increasing GP, then find the value of P plus Q. अच्छा, फर्स्ट स्टेप चिल्ला के बोल देना एक बार, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में? लेट a1 is equal to a, b1 is equal to ar, a2 is equal to ar square and b2 is equal to ar cube. करेक्ट। लेट अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 जीपी में है, तो इसको a मान लो, इसको ar मान लो, इसको ar स्क्वायर मान लो, ar क्यूब मान लो। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ। स्टार्ट। गुड बच्ची, ब्रेक में कुछ खा पी के आते हो? नहीं आते हो ना लाइगो? सर कॉफी। कुछ खा पी के बैठे हो? क्या पी रहे हो यार? खा रहा हूँ। एनर्जी आनी चाहिए अभी। वहां तो दिन जस्ट फर्स्ट है, अभी तो सेकंड थर्ड बाकी है, तो भेजा ना ब्रेक में। चलो लेट मी सी, एज फार एज रिमेम्बर इस बैच का मोटिवेशन हाई रहता था। Let's see today also. उसको यूज करो यार, सबको दिख रहा है 6 और 54 पता है, तो उसको यूज करो फटाफट। Thank you.
नो सनिका ध्यान से कर अल्फा वन प्लस बीटा वन सबको पता है सिक्स है अल्फा टू प्लस बीटा टू सबको पता है 54 है बस इस तरह को मैं कुछ नहीं बता रहा आंसर चाहिए वार्म अप के लिए क्वेश्चन है तो डोंट डिसअपॉइंट मी जल्दी से आंसर चाहिए डाउटफुल अनुषा मुझे आंसर एक्चुअली याद नहीं है बट मुझे लग रहा है ट्रिपल डिजिट नंबर आएगा क्या यार टाइम पे आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब और हाँ बच्चे क्या बोल रहा है बोल आंसर बोल रहा है तो बोल मत आंसर तो चैट पे लिखते हैं हम सबने ये दोनों इक्वेशन बनाई ना एवरीवन फिर सही है सनिका का सही आंसर है ना सनिका ने जो दिया वो वैसा ही कुछ आएगा ठीक है आस्था करेक्ट सनिका करेक्ट आई थी ऋग्वेद करेक्ट डेसिमल में आ रहा है मतलब बाय टू है ना सानिध्य करेक्ट और सब चेक करो बच्चे बाकी सब कहा है भाई हमारे हाँ अहमद करेक्ट लग रहा है बच्चे यश कर अब आ रही लाइन है सब डर के मारे कि डेसिमल सर बोल रहे इंटीजर ऐसा लग रहा था सबको आई थिंक अहमद करेक्ट यश करेक्ट पूर्णा करेक्ट अर्पित रॉन्ग हर्ष करेक्ट 553 क्या कर रहा कार्टून 3.3 हाँ लास्ट 30 seconds लास्ट 30 seconds दिशा मिस्टेक कर दी रुद्रा करेक्ट यस नीरन करेक्ट ओके जस्ट रैप इट अप इन 10-20 seconds चलो बच्चे इनफ टाइम ना अब मेरे साथ देखो एवरीवन इंटरेक्ट विद मी तुमने एग्री किया हुआ है इंटरेक्ट करोगे यहां तक तो किसी को नहीं ना हां एनीबॉडी यहां तक कोई डाउट नो सर ठीक है दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों अब डिवाइड करेंगे तो ar स्क्वायर * 1 + r को डिवाइड करेंगे हम a * 1 + r से सो कितना आ जाएगा 54/6 इसे किसकी वैल्यू आ जाने वाली है कम ऑन आर की आर स्क्वायर इज 9 आर इज प्लस माइनस 3 बट हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे ओनली प्लस 3 व्हाई व्हाट इज द रीजन इंक्रीजिंग जीपी वेरी गुड देन किसी भी इक्वेशन में वापस रख के ए निकाल लो फ्रॉम फर्स्ट ए इनटू 4 इज इक्वल टू 6 सो ए की वैल्यू भी आ गई 3/2 ए आ गया आर आ गया तो आप कर ली दुनिया मुट्ठी में कमान जल्दी से बताओ इक्वेशन को देखो एंड टेल मी पी कैसे निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एवरीवन करेक्ट बच्चों यस सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ना सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से पी और क्यू की वैल्यू निकलने वाली है पी विल बी इक्वल टू अल्फा 1 * बीटा 1 दिस इंप्लाइज
P will be equal to A into AR. Similarly, Q will be alpha 2 into beta 2. This implies Q is equal to kya bhai? AR square into AR cube. Value dal do yaar. Ab kya hai? P ki value kitni aa gayi? A square, that is 9 by 4 into R, that is 3. Q ki value A square, that is 9 by 4 into R ki power 5, that is 3 ki power 5. है ना, p माइनस क्यू पूछता तो एक्चुअली इंटीजर आ जाता, बट ठीक है मैंने गलती से ये पूछ लिया. 9 बाय 4 इनटू 3 कॉमन, 1 प्लस 3 की पावर 4, सबको दिख रहा है ना? ओके ना? यस सर. यस सर. 3 इनटू 81 प्लस 1 82, 2 से 41, सो 21 इनटू 41, नहीं सॉरी 27 इनटू 41 बाय 2 आंसर है. अब जो है सो है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1107 by 2, that is 553.5. Yes, sir. सबको क्वेश्चन क्लियर? कॉपी करो फटाफट, कुछ छूट गया तो. A A R A R square, done. सर. हाँ बच्चे. सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर लो, मैं ऊपर से वापस से दिखा रहा हूँ, जल्दी से देख ले. सबका होना चाहिए था ये क्वेश्चन, है ना? A A R A R square. तुम तो प्रैक्टिस शीट 4 भी अटेम्प्ट करी होगी तुमने. ओके, लास्ट टाइम एनी डाउट बिफोर आई टर्न द पेज? नो. Okay, I'm turning now and giving you next question now. Ready na, all of you? Yes, sir. बीच बीच में कभी कभार किसी ना किसी की आवाज तो सुननी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा, ताकि सबका यू जगा रहे, होश प्रेजेंट रहे, ना? यू नहीं कि कुशल है, पार्थ है और दो तीन लड़कियां हैं, वही बाकी सबको भी कभी कभार इंटरेक्ट तो करो यार. सो मिशन मोटिवेशन, कम ऑन, रेडी हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें थोड़ा दिखना चाहिए यार. लाइव लेक्चर में तो क्या है, वी कैन डू वेरियस थिंग्स टू कीप अस इंटरेक्टिव एंड मोटिवेटेड. द इंटीजर्स 2, A, B, 160 आर सच दैट, ध्यान से क्वेश्चन कॉपी करना, फर्स्ट थ्री टर्म्स आर इन एपी. First three terms are in AP and last three terms are in GP. First three terms are in AP, last three terms are in GP. If the common ratio of GP is same as common difference of AP, then find the value of A plus B plus C. So, yes, बच्चे. Sir, last three term ना? हाँ, बिल्कुल. तो वो CD के है. सेम के बाद तो खुद सोच क्या होगा, बता. गेस कर, गेस कर. एपी का सीडी कुछ नहीं है, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस.
चलो कौन बच्चा बच्ची बता रहा है कि पहला स्टेप इन सबको एज्यूम करना हुआ क्या करूं, ए को क्या बोल सकता हूं? कम ऑन, 2 + d 2 + d गुड, 2 + d। बी क्या हो जाएगा? 2 + 2 d 2 d। वेरी गुड। कैन आई से फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी आ गया? यस यस सर, यस सर। और कॉमन रेशियो कितना है? व्हाट इज द कॉमन रेशियो? ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 2 + 2 d into d। फटाफट करो आंसर निकालो। चलो करेक्ट है, एक बच्चे ने तो बहुत जल्दी बोल दिया था इसने। पार्थ क्या? चेतन करेक्ट। बाकी सब बच्चे भी क्विकली आंसर निकाल लिए। तन्मय करेक्ट बच्चे। सिद्धेश करेक्ट। चलो तुम सब ने एक अच्छा किया, तो एक अच्छा क्वेश्चन करो फिर। एक्स्ट्रा ना, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एंड एज आई हैव टोल्ड यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूल्स। बाकी सब बच्चे फटाफट रैप करो। करेक्ट प्रथमेश, स्क्रीनशॉट ले लेना एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। जो बच्चे अच्छा करके, निशांत करेक्ट, गुड, सिद्धेश करेक्ट, आई थिंक बोला मैंने, प्रतीक करेक्ट, सत्या करेक्ट, श्रेया मिस्टेक हुई बच्ची, प्रतीक करेक्ट, अहमद मिस्टेक हुई। अनिरुद्ध करेक्ट। चलो इनफ टाइम अबाउट दिस। इधर देखो, सबसे अच्छी हिंट और सबसे इजी मैनिपुलेशन तो हमने बता ही दिया कि ये सब करो ताकि मिनिमम कैलकुलेशन हो। एक ही वेरिएबल में डील कर रहे हैं हम। कौन सा वेरिएबल है वो? एवरीवन जल्दी बोलो, सिर्फ डी। तो यहां तक तो पहुंच चुके हैं। कैन आई से 160 को भी 2 + 2 d into d² होना पड़ेगा? एग्री करो, क्या यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर, नो सर। जल्दी से बताओ। चलो 2 + 2 d into d² = 160। 2 को उड़ा दिया, 1 + d into d² = 80। निकाल लिए, यस। क्यूबिक अभी तक थोड़ा सॉल्व करना, तुमने देखा ही है कि हिट एंड ट्रायल से एक रूट गेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिख रहा है, बहुत इजीली दिख रहा है। क्या नहीं से 4 सबको हिट हो गया, d = 4। कम ऑन, 64 + 16 दिख रहा है, 80। यस सर, यस सर, यस सर, नो, यस सर। अच्छा व्हाट डू यू थिंक बच्चों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि d = 4 तो एक आंसर है, दूसरे रूट्स निकालने चाहिए या बस चलेगा आगे बढ़ जाओ? व्हाट डू यू थिंक? निकालने चाहिए। दो आंसर, you have to find out. तो अगर एक रूट आ गया 4, बाकी बची भी क्वाड्रेटिक कैसे निकालोगे? सर डिवाइड कर सकते, डिवाइड, डिवाइड करेंगे ना एक क्यूबिक ऊपर से, डिवाइड करके। आई होप सबको आता है लॉन्ग मेथड से डिवाइड करके निकाल सकते हो ना बच्चों? यस और नो? यस सर। मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो डायरेक्टली, बस दिमाग लगाना है। d³ - 4d² सो 5d -20d हो जाएगा, तो +20 हो गया। तो ये आ गया बच्चों ना क्वाड्रेटिक, उसके साथ सबको दिख रहा है रूट्स इमेजिनरी है। कम ऑन, यस सर। तो कैन आई से रियल सॉल्यूशन के लिए d इज ओनली 4? एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर। चलो बस अब तो आ गया आंसर, फिर a + b + c निकालना है, व्हिच इज 2 + d + 2 + 2d + 2 + 2d into d। डाल दो, 4 डाल देते हैं। 2 + 4 = 6, 2 × 4 = 8, 8 + 2 = 10, प्लस ये कितना है,
10 into 4, so 40, 50, 56. Is there any doubt? सर हाँ बच्चे सर आपने नंबर कैसे अज्यूम किया एक बार वापस बता सकते क्या वापस बोल क्या बोलता है सर आपने नंबर अज्यूम किया ना ए पार्ट में थर्ड नंबर अज्यूम किया ना सी को नहीं, नहीं। तो खुद मेरे साथ ट्राई कर साहिल कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो में क्या रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में तूने पढ़ा ही नहीं एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है तू क्या रिलेशन दे रखा है कॉमन जल्दी इंटरेक्ट कर क्या दे रखा है सर कॉमन रेशियो एंड कॉमन डिफरेंस ए एपी सेम है सेम है मतलब कॉमन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हाँ साहिल आर यू एबल टू हियर मी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अब कनेक्ट हो गया हूँ आर यू एबल टू हियर यस सर तो फटाफट बोल यार इतना टाइम मत लगा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आर क्लियर ना यस सर तो फिर अगर टू होगा तो ये एपी में तो नेक्स्ट टाइम टू प्लस डी नहीं होगा होगा सर सर उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा एपी में टू प्लस टू डी ना यस सर समझा ये तीन टर्म्स एपी में दे रखे हैं तो अब क्या है अब लास्ट के तीन टर्म जीपी में है तो कहना इसे जीपी का फर्स्ट टर्म आ गया यस सर जीपी का नेक्स्ट टर्म क्या रिलेशन होगा सिर्फ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई तो होगा एग्री कर यस सर फिर वापस नेक्स्ट टर्म क्या होगा कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होगा एग्रीड यस सर यस तूने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था ना सच्ची बता यस सर तो अगली बार के लिए सीख के बच्चे चले आगे बढ़े सर हाँ भाई जल्दी बोल सो डी माइनस फोर कैसा है क्या सो डी माइनस फोर कैसा है अच्छे क्यूबिक के रूट कैसे कैसे निकालते हैं तू बता सुमित तो हिट एंड ट्रायल तो हिट एंड ट्रायल कर ना मैंने बोला तब सुन नहीं रहा था डिस्कनेक्ट क्या हो गया था तेरे को क्या प्रॉब्लम है मैंने यही बोला था हिट एंड ट्रायल से एक रूट गेस करा तो हमने देखा d equal to 4 satisfy कर रहा है देख कर रहा है ना ओके सर got it सुना करो यार बच्चे ऐसा मत करो और किसी को डाउट चल सर एक सेकंड सर अगर d की मल्टीपल वैल्यू सेट हो जाती तो क्या अगर लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ फोर नहीं और एक और वैल्यू आ जाती डी की तो कैसे करते तो एक और आ जाती तो फिर ऐसी दो सीक्वेंस हो सकती है दो सीक्वेंस आंसर आ जाता ओके ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस क्या होता है बच्चा पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी एंड b minus a is a perfect cube b minus a is a perfect cube also log of a to the base 6 plus log of b to the base 6 plus log of c to the base 6 is equals to 6 then find the value of again a plus b plus c chalo try it नो पार्थ
डोंट बी इन अ हरी, हर बात उठ के हिट एंड ट्रायल नहीं, डन से कर। परफेक्ट क्यूब समझते हो ना बच्चों, बस किसी इंटीजर का क्यूब है। जस्ट आई एम कमिंग, वन मिनट, तब तक आंसर निकाल लेना भाई। अमन नो, हाँ भाई किसी का हुआ, ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर नहीं निकलने वाला, यू हैव टू थिंक। करेक्ट, गुड, एक बच्चे का आया, दो तीन बच्चों का आ गया, गुड। सुमित करेक्ट, सनिका करेक्ट, हर्ष करेक्ट, पार्थ नो, सानिध्य करेक्ट, अमन करेक्ट, तरुण नो, आयुष नो, दिशा करेक्ट, गुड। तुम चार पांच बच्चों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है, वो करो। सबने सुन लिया जिन्होंने, जिनको मैंने यस बोला है वो एक्स्ट्रा का आंसर करो। हाँ बाकी सबने भी सुन लिया, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अब लेक्चर हो चुके हमारे, तो यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है ना, तो उनपे भी टाइम स्पेंड। सिद्धेश नो, बच्चे चेक करो, तन्मय, सिद्धेश, निरंजनी करेक्ट, गुड। एनालिसिस का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यू नहीं निकल के आएगा, दैट इक्वेशन सॉल्व करके नहीं आएगा, यू हैव टू थिंक कि अच्छा परफेक्ट क्यूब है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। हर्ष करेक्ट सर। हाँ बच्चे, सर आपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया उसमें जो फाइंड करना है वो हाफ कट है, कुछ कट नहीं था, पूरा था, वापस बोल देता हूँ मैं, बट बीच में एक्स्ट्रा मैंने कितनी बार बताया रूल्स क्या थे, कि मुझे फोन पे नहीं पूछेगा, चैट पे पूछना हो तो पूछ, अदरवाइज कुछ नहीं। दूसरे बच्चे जिन्होंने अभी तक सही नहीं किया है कर लो, और जिन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिखा था वो स्क्रीन शॉट ले लो, ये मैं वापस दिखा रहा हूँ। ध्रुवा करेक्ट, गुड, अच्छी। ओके 30 seconds और, नो पार्ट, चलो बच्चों देखो सर, एवरीवन, आयुष नहीं पता नहीं क्या लिख रहा है तू, जीपी किसने पूछी है,
अच्छा इसी की जीपी बोल रहा है तो ठीक है. एवरीवन सी ऑन द स्क्रीन नाउ. लिखना बंद अब. इंटरेक्शन चालू. ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है ठीक है ध्यान रखा जाएगा. और क्या है पहला स्टेप तो इंक्रीजिंग जीपी है तो ए बी सी को क्या मान लिया हमने ए ए आर और ए आर स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है बी माइनस ए इज अ परफेक्ट क्यूब ठीक है वो तो बाद में देख लेंगे उसको. पहले ये अच्छी खासी इक्वेशन को तो सॉल्व कर लें. लॉग ऑफ सिक्स ए बी सी इज इक्वल टू सिक्स. दिस इंप्लाइज ए बी सी इज इक्वल टू सिक्स की पावर सिक्स. बच्चों तो आप वैल्यू डाल देते हैं ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इज सिक्स की पावर सिक्स. तो कितना हो गया ए क्यूब आर क्यूब इज सिक्स की पावर सिक्स. ये तो क्यूब है तो इसको तो एक ही आंसर लिखेंगे ए आर इज सिक्स स्क्वायर. यहाँ तक सब ओके मेरे साथ. यस सर. यस सर. ओके हर्ष तेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का रूल्स नहीं समझा. मैं जब समझा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन उसमें बीच में चैट पे भी लिखना है ये मैंने बताया था जब मैं बिल्कुल फ्री हूँ तब. नाउ बी माइनस ए इज अ परफेक्ट क्यूब. सो बी माइनस ए इज के क्यूब. बी माइनस ए इज अ परफेक्ट क्यूब. हाँ तो बी माइनस ए किसी का इंटीजर का क्यूब होना चाहिए. बी कौन है बच्चों ए आर है और ए आर की तो वैल्यू पता है हमें मतलब 36 माइनस ए शुड बी अ परफेक्ट क्यूब और ए भी खुद एक इंटीजर है. गेस एग्री करो. यस करेक्ट ना. अब बस थोड़ा सा सोचना इतना इजी एनालिसिस तो आता है एसएनएस में. मैं धीरे धीरे एनालिसिस क्वेश्चन देते जाऊंगा. जेई ऑल्सो लव्स इट कि डायरेक्टली नहीं निकलेगा सोच के. अब क्या सोचोगे कि अच्छा ये वन हो सकता है करेक्ट और नॉट बच्चों. वन का क्यूब फिर ए 35 हो जाएगा बट फिर वो जीपी तो नहीं है. एग्री करो. यस करेक्ट. ये रिजेक्टेड. फिर के क्यूब कितना हो सकता है 8 हो सकता है तो ए उस केस में 28 हो जाएगा और फिर नेक्स्ट टर्म 36 होगा तो फिर आर जो भी है उसके लिए फिर नेक्स्ट टर्म हमारा इंटीजर नहीं आएगा इसलिए 8 भी रिजेक्टेड. आर यू विद मी यहां तक. 8 क्यों रिजेक्ट है सबको क्लियर है. यस सर. क्योंकि हमें पता है कॉमन रेशियो भी इंटीजर आना चाहिए. देन के को अगर मैं ले लूं 3 का क्यूब दैट इज कितना 27. सो ए कितना आ गया 36 माइनस 27 9. 9 seems to be okay. 9, 36 मतलब common ratio 4. तो next term भी फिर integer हो जाएगा 144. तो ये acceptable. और इसके बाद कोई भी answer acceptable नहीं है. Come on. क्योंकि a negative हो जाएगा उस case में. Yes sir. Yes sir. Are you with me always? Yes sir. तो सबको clear हो गया कि a is 9, b is 36 and c is 144. So a plus b plus c copy कर लो बच्चों. 9 plus 36 plus 144 that is 189. Sir, 8 reject क्यों हो गया? क्योंकि मैंने उस समय समझाया, मैंने उस समय पूछा भी doubt, तूने पूछा नहीं, तो अब खुद से try कर. सोच वापस जंग से, फिर बाद में बताऊंगा. तब तक सोच. अरे अगर A, B, C सबको integer होना है, positive integer, तो मतलब ये integer, ये खुद integer है, ये खुद integer है, ये भी integer होना चाहिए. अगर फर्स्ट टर्म 28 हो गया बी हमें पता है 36, तो तेरा देख आर कितना अटपटाएगा उससे. नेक्स्ट टर्म इंटीजर नहीं हो रहा है, सी इंटीजर नहीं हो रहा है, इसलिए रिजेक्टेड. ओके कॉपी करो अपने डाउट के बारे में सोचो उसके बाद डाउट पूछते हैं. नाउ कैन यू अप्रिशिएट ये एनालिसिस का क्वेश्चन है. बहुत इजी वाला एनालिसिस है. एग्रीड. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Analysis question हो सकता है कुछ quadratic chapter में भी किए हों, जिन्होंने भी पढ़ाया हो सकता है उन्होंने कराया हो आपको. Integer into integer is integer ऐसे कुछ question करे? करे थे किसी ने? हाँ है ना? सर थोड़े बहुत किए थे ZTM सर. चलो अभी finish करो ये. सर यस कोई डाउट इसमें? सर डाउट नहीं सर. हम लोग इसको अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अज्यूम कर लेते तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. देख मैंने पहले भी आज क्लास की शुरुआत में ही बताया ए ए आर ए आर स्क्वायर की जगह तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी भी ले सकता है उसके थ्रू भी क्वेश्चन कर सकता है. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना बच्चे तीन वेरिएबल आ जाते हैं. तीन वेरिएबल में कभी कर घूमना पड़ेगा तुम्हें.
बेटर है ये दो वेरिएबल में डील करें। बट सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी है तो एबीसी तो अरे हाँ कर ले यार खुश रहे बस। No, बिल्कुल कर सकता है बच्चे बट मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने जनरलाइज वे बताया कि जो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वर्क करेगा बी स्क्वायर इक्वल टू एसी में कितनी बार तू अटक जाएगा। यस बट इस क्वेश्चन के लिए यस यू कैन डू ठीक है। आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन। यस सर यस सर चल आगे बढ़ते हैं समेशन के क्वेश्चन करते हैं फिर डायरेक्टली मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे समेशन ऑफ जीपी। चलो आ जाओ मेरे साथ पहले फाइनाइट जीपी फिर इनफाइनाइट जीपी देख लेंगे। फाइनाइट मतलब फिक्स टर्म्स है एंड टर्म्स है टेन टर्म्स है ट्वेंटी टर्म्स है थाउजेंड टर्म्स है तो एस एन बोलेंगे उसको ऑब्वियसली। क्या होता है ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड लास्ट टर्म क्या होगा कौन बताएगा एन टर्म्स के लिए ar raised to power n ar raised to power n minus 1 हां वेरी गुड क्या लिखूं ar raised to power n सही है क्या n minus 1 minus 1 सबको पता है tn क्या होता है ar raised to power n minus 1 है ना। सो बच्चों इसका फार्मूला डिराइव करने के लिए हम पता है क्या करेंगे पूरी सीरीज को वापस लिखेंगे बट हर टर्म को एक स्टेप शिफ्ट करके क्या करके एक स्टेप शिफ्ट करके मतलब अब मैं सबसे पहले ए लिखना चाहता हूं बट उस ए को ए के नीचे लिखूं या एआर के नीचे बोलो क्या बोल रहा हूं एआर के नीचे एआर के नीचे एआर आएगा यहां पे एआर स्क्वायर आएगा इसके नीचे एआर रेस टू पावर एन माइनस टू आएगा कैन आई से एक और टर्म आएगा फिर यहां पे यस यस किसी को कोई डाउट यहां तक नो सर शिफ्ट करके सिर्फ शिफ्ट करके लिखा है ओके नथिंग एल्स। अब बताओ क्या करूं सर ऐड कर लो नहीं अब ऐड करने से क्या फायदा होगा 2sn है फिर सिंपलीफाई कहां से होगा। अब मैं पूरी सीरीज को r से मल्टीप्लाई करूंगा कर सकता हूं ना और दिमाग लगा दोगे तुम क्यों कर रहा हूं मैं समझ जाओगे कम ऑन यस कम ऑन अब तो हिट हो गया होगा यस सर क्या करूंगा बताओ जल्दी से ऐड या सबट्रैक्ट ऐड या सबट्रैक्ट कम ऑन सबट्रैक्ट 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 तो तबाही 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 एग्रीड ना यस सर यस सर तो लेफ्ट साइड में एसएन कॉमन कितना आ गया बोलो 1 - 8 + 8 और राइट साइड में केयरफुली बताना एक टर्म तो ये बचा है प्लस में या माइनस में प्लस में plus. और एक टर्म ये बचा है प्लस में या माइनस में माइनस माइनस में। सो अब तो आंसर आ गया भाई सो Sn into 1 minus r is equals to a common 1 minus r की पावर n। सो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a into 1 minus r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 minus r। यस यस नो जल्दी से यहाँ तक कॉपी करो मुझे एक कॉल अटेंड करना है फिर मैं समझाता हूँ आगे की चीजें यहाँ तक कॉपी करो। हाँ बच्चों कॉपी हो गया अच्छा कर रहे हो गए करो करो लेट मी नो जब हो जाए। और थिंक अबाउट तुम्हें बचपन में 10th क्लास में 9th क्लास में थोड़ा सा उल्लू बनाते थे कि एसएन के दो फॉर्मूलाज हैं कुछ ऐसा बोलते थे आर ग्रेटर देन वन आर लेस देन वन के लिए यस सो वी टेक वन कॉमन करते थे ना
यस बेकार है यस क्या सबका कॉपी हो गया बच्चों कैन आई एक्सप्लेन फर्दर यस सर चलो सब बच्चे एग्री करो कि यस इसका एक और फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं हम यू शुड बी एग्री विद मी ये तो सेम ही बात है कम ऑन कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है यस यस हाँ सबको याद आ गया होगा पहली बात yes. तो अब तुम्हें 10th क्लास तक बोलते थे ये r less than 1 के लिए यूज करो r greater than 1 के लिए बट क्या दोनों डिफरेंट फॉर्मूला है सेम ही चीज है अरे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो सेम ही आएगा आएगा कार्टूनो आएगा यस और नो यस सर यस सर दोनों डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है पहली बात है ना एक ही फॉर्मूला है हमारे लिए sn का एग्रीड ऑल ऑफ यू यस बट ये तो एग्री करते हो ना ये फॉर्मूला r इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है यस सर यस सर यस आई होप सबको पता होना चाहिए yes, अगर जीपी में r इक्वल टू 1 है तब तो हर टर्म ही a है तो यस जीपी ऐसा हो सकती है और उसके अगर n टर्म्स है तो फिर तो समेशन n into a हो गया करेक्ट ना वो अलग से डील करेंगे उसको दैट दिस इज दिस फॉर्मूला डजंट डील विद दैट इज दैट क्लियर एवरीवन यस सर यस यस तो ये r नॉट इक्वल टू 1 के लिए इसमें तो कोई इशू नहीं है sn का एक ही फॉर्मूला है अब बच्चों इसी के साथ मैं इनफाइनाइट जीपी भी पढ़ा रहा हूं तो सुन लो ध्यान से सेकंड नेक्स्ट पेज पे ही पढ़ा देता हूं इनफाइनाइट जीपी हमारा sn का फॉर्मूला सबको याद ही है sn is a into 1 minus r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 minus r अच्छा एग्जांपल देखो इनफाइनाइट जीपी का एक तो Yes, दो इनफाइनाइट जीपी लिए पहली इनफाइनाइट जीपी क्या है इंक्रीजिंग है कम ऑन एग्री करो यस सर यस सर और दूसरी इनफाइनाइट जीपी डिक्रीजिंग है कम ऑन एग्री करो यस सर यस सर और डिक्रीजिंग हमारे लिए अभी सिर्फ यही है कि r यहां पे ग्रेटर देन 1 है व्हाइल यहां पे r बिटवीन 0 टू 1 एग्री करो यस सर यस सर अच्छा अब थोड़ा सा फील करो और मुझे सोच के बताओ किसका s इंफिनिटी फर्स्ट अच्छा ये बता दो बेटर है फर्स्ट का आंसर क्या होगा सम का वेरी ऑब्वियस व्हाट विल बी एस इनफिनिटी फॉर दिस फर्स्ट इनफिनिटी शुड बी इनफिनिटी डाउट ही नहीं होना चाहिए एस इनफिनिटी विल बी इनफिनिटी टेंडिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी कम ऑन एग्री करो यस सर यस सर कन्विंस हो जाओ कम ऑन यस सर यस सर ठीक है तो अब बताओ कोई पूछने वाला है तुम्हें फर्स्ट वाले के बारे में नो सर नो सर ना पूछने वाला है ना उसका फॉर्मूला होगा आई होप दैट इज क्लियर तो हम उस इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला डिस्कवर करेंगे डिस्कस करेंगे जिसका सम किसी फाइनाइट वैल्यू पे टेंड कर रहा है एग्रीड और नॉट यस सर यस सर जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सी सेकंड सीरीज तो देखो अब मैं थोड़ा फील दिला रहा हूं फॉर्मूला बाद में पढ़ाऊंगा पहले तो मैं फील दिला रहा हूं अच्छा इसका सम फाइनाइट कैसे हो रहा है कहना इसे इसका एक्चुअली सम तो मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं है क्योंकि वो तो तुम टर्म्स भी चेंज इनफिनिटी तक लेते जा रहे हो तो उसकी वैल्यू एक्यूरेट एग्जैक्ट तो कभी आ ही नहीं सकती उसकी वैल्यू टेंडिंग आएगी एग्रीड और नॉट यस सर चलो फील दिलाता हूँ सुनना मेरे साथ ध्यान से यहाँ तक 2 यहाँ तक सम कितना हो गया 3 यहाँ तक सम हो गया 3.5 आर यू विद मी यस सर यस सर एंड यहाँ तक सम हो गया 3.75 यहाँ तक सम हो गया 3.875 आर यू विद मी ना यस सर ये होता है 0.125 तो ये 0.06625 होगा तो यहाँ तक का सम हो गया 3.935 फिर 1/32 करूंगा तो 0.03 समथिंग ऐड होगा तो यहाँ तक का सम हो जाएगा 3.96 समथिंग फिर 1/64 ऐड करूंगा तो 0.0015 हो जाएगा तो यहाँ तक का सम हो जाएगा 3.98 ऐसा कुछ अब तुम्हें थोड़ा सा फील आ रहा है कि सम एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है ना कौन सी वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है 4 तो अगर मैं इसका आंसर 4 लिखूं तो मुझे तुम्हें बताना है क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है या टेंडिंग वैल्यू है टेंडिंग अप्रोक्सीमेट हां वेरी गुड ये टेंडिंग वैल्यू है क्या यहां तक सबको क्लियर है यस सर यस सर अब फॉर्मूला डिस्कस कर सकता हूं इसका Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh,
ओके तो अब फॉर्मूला तो हम एस एन के टर्म्स में निकालेंगे. हमारे पास एस एन था ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. देखो ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर माइनस ए इंटू आर रेस टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर. नाउ दिस वॉज एस एन. अगर अब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है कैन आई से एस एन का फॉर्मूला एस इन्फिनिटी का हो जाएगा. एग्री करो. यस सर. यस सर. यस सर. You are agreeing with me कि R between 0 to 1 होगा. Come on. अभी के लिए कुछ बच्चों को बेटर पता होगा कि R minus 1 to 1 भी चलता है सर. बट अभी दिमाग मत लगाओ, वो बाद में कवर करूंगा. Can I say R between 0 to 1 में तो ओके ना? Yes sir. Yes sir. So R between 0 to 1 में सुनना मेरे साथ. मान लो R 0.4 है. मान लो 0.4 की पावर बढ़ाते हो तो वो 0 की तरफ मूव करता है या 1 की तरफ मूव करता है? 0 की तरफ. 0 की तरफ. जीरो की तरफ. जीरो नहीं बोल रहा हूं मैं, जैसे 0.4 का स्क्वायर करते हो तो बच्चों कितना हो जाता है? 0.16 हो जाता है. देखो छोटा हो गया. और पावर बढ़ा दोगे तो 0.16 इनटू 0.4 हो जाएगा 64. 0.064 हो जाएगा. दिख रहा है ना जीरो की तरफ बढ़ रहा है? यस यस सर. तो अब बताओ अगर मैं 0.4 के ऊपर पावर बढ़ाते जाऊं 10,000 पावर कर दूं, ऑलमोस्ट जीरो की तरफ हो गया. एग्री करो. यस सर. क्या एग्जैक्ट जीरो है? टेंडिंग जीरो है. Tending zero. Tending zero. है या कोई भी नंबर बिटवीन 0 टू 1 की स्पेशलिटी है? कोई भी नंबर बिटवीन 0 टू 1. कम ऑन, अगर मैं R की पावर n पूछूं आप तुमसे, वेयर R मुझे पता है बिटवीन 0 टू 1 है और n मुझे पता है इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो बताओ ये वैल्यू कहाँ पे टेंड करेगा? जीरो. 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 फर्स्ट डाउट. जीरो. नो सर. सो कम ऑन, एस इनफिनिटी का फॉर्मूला अब हमारा क्या हो गया? ए अपॉन वन माइनस आर. तो एज इट इज उसको फर्क नहीं पड़ेगा. बट क्या सबको क्लियर है कि ये दूसरा वाला टर्म जीरो हो रहा है? कम ऑन एवरीवन. यस सर. तो एस इनफिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है. कितना होता है बच्चों? ए अपॉन वन माइनस आर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी If R, अभी तुम्हें मैंने बताया 0 to 1, बट अभी और बता दूंगा चीजें. बताओ यहाँ तक ओके? Yes sir. Yes sir. तो इस एग्जांपल के लिए देखते हैं भाई. तुम्हें याद है क्या फाइनाइट वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रहा था? 4 की तरफ. तो देखें इस यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू भी आता है क्या? यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है इस एग्जाम्पल के लिए बोलना? 2. कॉमन रेशियो कितना है? 1/2. 1/2. S infinity का फॉर्मूला होता है A upon 1 minus R, 2 upon 1 minus half, which is 2 upon half. कितना आंसर आ गया? 4. क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है या टेंडिंग वैल्यू है? टेंडिंग वैल्यू. S infinity पूछना मतलब टेंडिंग वैल्यू ही पूछना हुआ, तो कोई भी तुम्हें टेंडिंग बोलेगा नहीं. S infinity आंसर 4. एग्री? यस सर. यस सर. यहां तक किसी को डाउट? नो सर. नो सर. चलो अब रुक जाओ इधर. देखो केस फॉर आर टू बी नेगेटिव वाला पार्ट बता रहा हूं, आप सुनो ध्यान से. यहाँ पे दो एग्जांपल और देखो मेरे साथ. 2 2 ± 4 ± 8 ± 16 ± 32 प्लस माइनस 64 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. बस मुझे एग्री करके बताओ कि इसका सम फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, मतलब उनमें से कुछ. दो ऑप्शन है, फाइनाइट या अनकाउंटेबल, मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दोनों में से कुछ भी हो सकता है. बताओ क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? बी. फाइनाइट. फाइनाइट होगा इसका? तुम्हें लगता है फाइनाइट होगा? अरे जब इंफिनिटी के पास वाला टर्म है, सुनना, जो लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट टर्म है वो उसके जस्ट पहले की कंपैरिजन में भी तो बहुत बड़ा है. कम ऑन एग्री करो. यस. तो तुम यूं नहीं बोल सकते सर देखो ना ये 8 पर 16 तो माइनस 8 हो रहा है, यहाँ पे देखो सर माइनस 32 हो रहा है. अरे उसके सेकंड लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म भी बहुत बड़ा टर्म है. कम ऑन एग्री करो. यस सर. सेकंड लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म भी माइनस इनफिनिटी हो सकता है या प्लस इनफिनिटी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑड टर्म्स ले रहे हो या इवन टर्म्स. कम ऑन एग्री करो. यस सर. यस सर. यस सर.
बट कम से कम इतना तो एग्री करो यार कि फाइनाइट नहीं हो सकता, कम ऑन, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होगा, कम ऑन एग्री करो। यस कम ऑन, कन्विंस हो जाओ, फिर इसके बारे में कोई भी छेड़ेंगे ही नहीं हम। ठीक है, फिर सब कन्विंस हो गए कि आर अगर माइनस टू टाइप का भी लूं तो भी माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी सम आएगा, एग्रीड ना? यस सर। यस सर। अब आर प्लस हाफ ले रहा हूं, चलो टू प्लस कितना हो जाएगा माइनस वन, प्लस कितना हो जाएगा हाफ, प्लस कितना हो जाएगा माइनस वन बाय फोर, प्लस कितना हो जाएगा वन बाय एट, प्लस कितना हो जाएगा माइनस वन बाय सिक्सटीन, प्लस कितना हो जाएगा वन बाय थर्टी टू। अब के बताओ कि इसका सम फाइनाइट होगा इनफाइनाइट? दिमाग लगाओ। फाइनाइट होगा। फाइनाइट होगा सर। फाइनाइट। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हो, पता है कि इसका सम फाइनाइट होगा। क्या सबको दिख रहा है कि दीज आर एक्चुअली टू इनफाइनाइट जीपीस? कम ऑन, देखो ये रही एक और, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, कम ऑन। यस सर। Can I say red वाली infinite GP का sum finite होगा? ये तो हम discuss कर चुके हैं, agree करो जल्दी से। Yes sir. Yes sir. Red वाली infinite GP है, जिसके लिए first term 2 है, जिसके लिए R half है, वो तो हम discuss कर चुके हैं, answer भी निकाल लेंगे, agree ना? Yes sir. और green वाली भी infinite GP है, जिसका मतलब minus करूँगा बीच में बस, जिसका first term 1 है और जिसका common ratio 1/4 है, come on agree करो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, तो अगर दोनों का सम फाइनाइट है तो फाइनाइट माइनस फाइनाइट भी तो फाइनाइट ही होगा, कम ऑन। इसका देखो, इसका अब आंसर ही निकाल लेते हैं, इट इज s इनफिनिटी 1 माइनस s इनफिनिटी 2, ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। यस सर। फर्स्ट इनफाइनाइट जीपी का आंसर हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, 2 अपॉन 1 माइनस 1/4 माइनस सेकंड इनफाइनाइट जीपी का 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, जल्दी से एग्री करो। हाँ भाई, बुलंद आवाज। यस सर। यस सर। यस सर। तो ठीक है, मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है, बट आई होप यू ऑल ऑफ यू एग्री, आंसर निकल जाएगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब बताओ उस फॉर्मूला में क्या चेंज करने का टाइम आ गया? यहाँ पे फाइनाइट सब कब कब आया, आर माइनस हाफ के लिए या आर माइनस टू के लिए? आर माइनस हाफ। क्या माइनस हाफ ही स्पेशल है या माइनस वन टू जीरो स्पेशल है? कम ऑन। क्या चेंज कर दूं बताओ? S infinity is a upon 1 minus r when r belongs to -1 to 0 r 0 तो obviously नहीं हो सकता, ये तो पता ही है ना, वो तो r कभी भी 0 नहीं लेते हम, पता है ना सबको? यस सर। Yes, मैं सब बच्चों से पूछ रहा हूँ, क्या किसी जीपी का आर जीरो हो सकता है क्या? फिर तो कोई भी हुआ, नेक्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, उसका नेक्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, फिर तो कॉमन रेशियो नॉट डिफाइंड होना चाहिए। जीरो अपॉन जीरो जीरो होता है या नॉट डिफाइंड होता है? नॉट डिफाइंड। तो मतलब आई होप समझ गए, कॉमन रेशियो जीरो नहीं हो सकता। यस सर। तो फाइनली रिवाइज करा रहा हूँ, sum of infinite GP is a upon 1 minus r only if mod r is less than 1. All of you agree or not? Come on. Mod r less than 1. Mod r less than 1 का answer यही होता है, ना लायकों r between minus 1 to 1, 0 तो हटा रही है. Agreed or not? Yes sir. Yes sir. Yes. बोलते हो inequality chapter, mod x less than 2 का answer क्या होता है? X belongs to minus 2 से 2. याद आ गया? तभी जब मॉड आर इज लेस देन वन, अदरवाइज आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। तो यहाँ तक कॉपी हो गया था, अब कॉपी करेंगे उसके बाद डाउट पूछेंगे। यहाँ तक कॉपी हो गया था आई थिंक, अब इनफाइनाइट जीपी वाला पार्ट कॉपी करिए, कॉपी करो।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ बच्चों, आई होप ये सब नालायकपंती नहीं लिख रहे हो क्या, कार्टून हो ये भी लिख रहे हो क्या, 3.5 3.75 है? सेवेंथ एट क्लास के बच्चे नहीं होंगे कि ये सब भी लिखो, तुम्हें समझ आना चाहिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट यू हैव टू कॉपी। करेक्ट विनायक, बट बच्चे आई होप जब अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, तो इस पे ध्यान दे रहा है। यस, इस पेज में किसी को कोई डाउट? सर डाउट नहीं है, लेकिन आपने बोला था याद दिलाने के लिए, हम लोग का एक क्वेश्चन बाकी है लास्ट लेक्चर का। क्या बाकी है? हाँ सर, एक वो एक गंदा सा क्वेश्चन था ना, वही तो याद आ रहा। अरे यार करेंगे, अरे इतना लेट अब बता रहा है, अभी चल बाद में देखेंगे, अभी अभी तो इसके क्वेश्चंस करते हैं बिफोर लेक्चर गेट्स ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में तेरे को याद दिलाना है शुरुआत में, ठीक है ना? ओके, अगर डाउट लेक्चर में करा देना बाद में याद। हां मेरे को याद आ गया, वो सड़ा हुआ क्वेश्चन प्रूविंग वाला, करेक्ट ना? यस सर। यस सर, कोई डाउट यहां तक किसी को भी बच्चों? नो सर। नो सर, लेक्चर कितने बजे तक? क्या बच्चे पार्थ, लेक्चर कितने बजे तक? जब तक बोर नहीं होंगे लेंगे यार। 6:30 6:35 तक लेता हूं यार, आज मैं शॉर्ट लूंगा, मुझे कुछ काम है इसलिए पहले मैंने सैटरडे का भी शिफ्ट कराया आज जान बूझ के। यस सर। तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस आजादी सुननी है, नहीं आजादी का टाइम क्या है? नहीं सर। कैन आई टर्न द पेज एवरीवन? यस सर। यस सर। इस पेज में कुछ कॉपी नहीं करना है, बट देख लो समझ लो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, तो जस्ट गो थ्रू दिस अगेन, नो नीड टू कॉपी। और किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकता है बिफोर आई गिव यू क्वेश्चंस नाउ। Sir? हाँ बच्चे। So in the formula for the summation of GP, we can also understand that by taking r equal to 1, the sum tends to infinite because in the denominator it is 1 minus r. So if we take r equal to 1, then it will become 0 and hence the summation will tend to infinity. Correct. No. वापस गलत बोला। Denominator 0 मतलब sum infinity होता है, not defined हो जाता है। Not defined. Not. तो वो फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, इसलिए यही हम बोल रहे हैं। कम ऑन एग्री कर। यस यस सर। ओके चलो लेट्स डू क्वेश्चंस, सिंपलीफाई। और शुरुआत में फॉर्मूला यूज करो बच्चों, देखो एपी तो तुम्हें थोड़ा सा पता भी था, जीपी में थोड़ा बहुत नई चीजें हो सकती है, सो मैं प्रेफर करूंगा कि शुरुआत के 1 or 2 क्वेश्चन में लिखो ए कौन है, आर कौन है, एन कौन है। क्लियर ना? फॉर्मूला फिट करने से पहले गलती नहीं करना, सिंप्लीफाई। ओके हर्ष,
एक भी गलती नहीं चाहिए, कम ऑन। सर हाँ बच्चे, आपने डी वाले में फाइव के बाद एट लिखा है। हाँ वही आज मेरी इच्छा हुई, आज गुरुवार गुरुवार को ऐसा लिखते हैं। ओके सर। अरे मस्ती समझ गया ना? यस सर। हाँ वो सही है, मतलब गलत नहीं लिखा मैंने। ओके बस तेरे को सोचना है। पक्का सही है ना? हाँ हाँ क्वेश्चन सही है, कर जल्दी। सर सोच लो एक बार। तू सोच जल्दी से, आंसर बता। ओके बच्चों, हर्ष करेक्ट, कुशल करेक्ट, शुभम गलती हो गई, श्रेया करेक्ट, आस्था करेक्ट, सबको दिख गया ना इनफाइनाइट जीपी एवरीवन? हाँ दिख गया सबको? यस और नो? यस सर। तो फर्स्ट का तो आंसर एट मैंने कर भी दिया, आप जल्दी से सेकंड का करो। गधों की तरह मत कर देना, वो डायरेक्टली जीपी नहीं है, ये फर्स्ट टर्म और ये एआर, ऐसा नहीं है, गलत है। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस सर। थोड़ा दिमाग लगाओ। दिशा करेक्ट, निरंजनी सेकंड का गलत हो गया है, साई राम सही, सानिध्य सही, केदार सही, अहमद सही, अनुषा सही, आस्था सही, सार्थक सही, करेक्ट लक्ष्मी, सेकंड का सबका अब हो गया है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, प्लीज सी हियर। इसको सबसे पहले देखेंगे सिक्स की पावर, सब की पावर क्या हो जाती है, सब में हो जाती है बच्चों, 1/2 + 1/4 + 1/8। तो सब टर्म्स जीपी में नहीं है, सबकी पावर जीपी में है। आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग क्लोजली। तो 6 raised to a upon 1 - r, तो 6 ½ / ½ 6 ⁻ 1, सेकेंड का आंसर 6। क्लियर एवरीवन? सेकेंड पार्ट। थर्ड करो, ध्यान से करना, हमेशा डोंट अज्यूम कि वो डायरेक्टली जीपी में होंगे, या तो चेक करो या फिर थोड़ा और सोचो। जैसे थर्ड भी डायरेक्टली जीपी नहीं है, डोंट टेल मी क्या है, वो खुद से सोचो। आस्था करेक्ट, सिर्फ आस्था का आंसर आया थर्ड का अभी तक सही, और किसी का नहीं आया। ये आस्था गलत है, मेरे को भी देखना पड़ेगा भाई। ये तो अभी तक बहुत जने गलत है, आस्था भी गलत है, अहमद सही, हर्ष सही, निरंजन सही, डी पार्ट आई डोंट नो, पहले सी पार्ट बता बच्चे नालायक, साईराम सही, सार्थक गलत, पार्थ गलत, हर्ष करेक्ट, सी पार्ट, सानिध्य गलत, दिशा गलत, अनुषा गलत, पूर्णा सही, गुड बच्चे, केदार सही, केदार का सबसे पहले आया गुड, सी पार्ट, सनिका का ही प्रत्याशी सही, सोनती मिस्टेक, हर्ष मिस्टेक, सनिका ठीक है, यश सही। अच्छा सी पार्ट बस मैं सर्कल कर लूंगा, तुम्हें दिख जाएगा देखना, और नॉन सर्कल दिख गए क्या सबको?
सबको दिख गया सी का फंडा एवरीवन? अच्छा आया ही नहीं अभी तक, लैग हो रहा है। अरे नाला को कब से लैग हो रहा है, मेरे को बोल नहीं सकते? बी पार्ट का भी सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक, क्या आ रहा है तुम्हारे सामने? बी का है, बी का है सर, बी का है, बी का है। ओके सर, लैग नहीं हो रहा। लैग नहीं है क्या? बस सर सी का नहीं दिख रहा, सी का दिख नहीं रहा कुछ भी, सी का नहीं दिख रहा, सी का नहीं दिख रहा, बी का दिख रहा। ओके हाँ, सी का आप दिखा सबको, सबको सर्कल चीज है। यस सर, यस सर, और कितने से उसके बाद अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो मैं खुद को होना चाहिए। यस सर, क्या सी पार्ट सबको दिखा? देयर आर टू इनफाइनाइट जीपी, दिखा नालायकों? एक 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब अप टू इंफिनिटी, और दूसरी इनफाइनाइट जीपी है 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4। तो पहले का आंसर a अपॉन 1 माइनस r, दूसरे का a अपॉन 1 माइनस r। पहले का आंसर 1, दूसरे का 1/9 डिवाइडेड बाय 2/3, दैट इज 1 प्लस 1/6। तो c पार्ट का फाइनल आंसर 7/6। हाँ गुड आयुष। अब चलो d पार्ट कौन बताता है, देन मजा आएगा। कॉपी करो सी, फटाफट डी पे आ जाओ। जो भी सोचना चाहो सी पार्ट का आंसर इस फॉर्म में आएगा, ये मैंने दिखाया, देखो 398 प्लस 2 की पावर समथिंग आएगा। तो पावर क्या है बताओ आंसर करेक्ट पार्ट। सर इतनी देर से वही तो बता रहा था, वो डी पार्ट बता, तू सी तो निकाला नहीं तूने, नालायक डी पार्ट का आंसर बता रहा। अरे सी तो कब का आ गया था सर? कुछ नहीं आया था नालायक। अरे वो मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था बीच में, इसलिए याद नहीं होगा। चलो बाकी सब बच्चे भी जल्दी निकालो। अमन मिस्टेक, तन्मय करेक्ट, अरे सिंपलीफाई इतना मत कर आज। साईराम करेक्ट, लक्ष्मी करेक्ट, सनिका फाइनल आंसर मत बता मुझे, बस ये वैल्यू बता दे, तुम जो लिख रहे हो वो सही नहीं है। दिशा मिस्टेक, निशांत नो, थर्ड भी आई होप सबको दिख गया। देयर आर टू सीक्वेंसेस, वन इज बोलो भाई, वन इज व्हाट? एपी, कितने टर्म्स होंगे एपी के? 20 टर्म्स, 20 टर्म्स प्लस दूसरी सीक्वेंस जीपी, सेकंड जीपी करेक्ट। तब आंसर तो सही निकालो यार, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, उसके बीच कितने टर्म्स है? 20 टर्म्स। तो पहले एपी का मुझे तो आंसर याद रहता है, n स्क्वायर होता है, तुम निकाल लेना 20 स्क्वायर आ जाएगा। देखो जी एपी का फॉर्मूला यूज करो बस, 20/2 into 2 into 1 plus 20 minus 1 into d plus gp। a क्या होता है gp का फॉर्मूला बच्चों? a into r की पावर n minus 1 upon r minus 1 upon r minus 1, करेक्ट ना बच्चों? Yes, yes, sir. Yes, sir. So, A is 2, common ratio is 2, number of terms is 20, divided by 2 minus 1. So, kitna ho gaya bhai, dekhe? 20/2 into 2 plus 20 into 2 minus 2. I mean, bas yun hi open kar diya. Plus 2/2. Arre koi matlab nahi mujhe usse. 2 se 2 chala gaya. 20/2 into 20 into 2 plus 2. की पावर 21 माइनस 2, सो 400 प्लस 2 की पावर 21 माइनस 2 इज 398 प्लस 2 की पावर 21,
है ना, क्योंकि वो कभी कभी इंटीजर क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो इस टाइप का मैं दे दूंगा। एग्जाम में ऐसे हम करते हैं कि 398 प्लस 2 की पावर के, सो के इज व्हाट? सबको क्लियर? यस यस सर यस सर यस सर। तो क्या बच्चों आप तुम सब समझ रहे हो कि हम कोई ऐसी सीक्वेंस दे देंगे जिसमें एक टर्म एपी का होगा, एक टर्म जीपी का होगा, ऐसा करते रहेंगे ना, कर सकते हैं ना? यस सर। सो व्हेन यू आर फाइंडिंग द आंसर ऑफ दैट, प्री अज्यूम नहीं करोगे कि जीपी होगी, थोड़ा ध्यान से देखोगे, इज दैट क्लियर? यस सर। चलो आज मैं यही रोक रहा हूँ, जो भी होमवर्क होगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा बच्चों। आज मैं होमवर्क बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू सी की प्रैक्टिस शीट 5 अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो जस्ट एक क्वेश्चन हुआ है हमारा, मुझे 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा तब जाके मैं दूंगा, बट आई विल गिव यू सम बुकलेट होमवर्क, तो वो करके लाना। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। बट कल तक एमपीएस 4 और जो पुराना बुकलेट का होमवर्क है वो करना है, सबको क्लियर? यस सर। यस सर। आज के लिए इतना ही बच्चों, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।